वेलकम, आप सभी का वेबिनार के अंदर वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे आप अपना कॉटन का प्रोडक्शन जो आप रूटीन में कर रहे हैं उससे बढ़ा सकते हैं, जो रूटीन तरीके से करते हैं क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरा नाम समीर अलावादी है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मैनेजमेंट में किया है। मुझे 21 साल का अनुभव है एग्रीकल्चर के फील्ड में एज ए कंसल्टेंट। मेरी खुद की कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट देखता हूँ कंपनी में। मैंने 21 सालों के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम किया है, जिसमें मेरा ज़्यादातर फोकस रहा है केले पे, पपीते पे, आम पे, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIM जम्मू और EDI में, जहाँ पर मैं एग्रीकल्चर की ऊपर उनके साथ बात करता हूँ। हमारी कंपनी जो है उत्कर्ष एग्रोकेम, वो रेंज ऑफ 100 से भी ज़्यादा नॉन पॉइजनस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करती है। मेरी दूसरी कंपनी भी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। वहाँ उस कंपनी में हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ उगा बड़ा करके देते हैं और लैंडस्केपिंग वो सब काम करते हैं, और हमारी नर्सरी भी है। हमारी कंपनी सूरत आधारित है दोनों कंपनियां, और हमारी जो उत्कर्ष कंपनी है उसके बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए www.utkarshagrochem.com utkarshagro.com पे आप जा सकते हैं। आप चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको म्यूट कर दिया है, लास्ट में आपको अनम्यूट भी करूंगा। आपने प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है और आपका मेजर कंसर्न क्या है कॉटन के फार्मिंग के बारे में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्रोग्राम के दरमियान आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी टॉपिक आता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि अगर हो सके तो साथ में ही जवाब दे दूंगा, नहीं होगा तो लास्ट में मैं हर आपका सवाल का जवाब दूंगा। आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया और आपके मेजर कंसर्न क्या है कॉटन की फार्मिंग करने के लिए, कपास की फार्मिंग करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक कॉटन के प्रकार क्या होते हैं, कॉटन की खेती के लिए कैसी क्लाइमेट होना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, बुआई कैसे करते हैं, सीड कितना सीड चाहिए, उसको ट्रीट कैसे करना है, क्या खाद देंगे, क्या फर्टिलाइजर देंगे, खेड़ क्या इंटरकल्टिवेशन में क्या ध्यान रखेंगे, पानी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वीड का मैनेजमेंट, खरपतवार का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, गैप फिलिंग थिनिंग के बारे में देखेंगे, अलग अलग जो रोग और जीवात आते हैं, पेस्ट और डिजीज आती हैं उसके बारे में देखेंगे, और हार्वेस्टिंग कैसे रहेगा और कितना यील्ड आएगा, ये सारे के सारे अपने टॉपिक्स आज के वेबिनार के अंदर अपने कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अलग अलग तरह का कॉटन रहता है, जिस जो उसके हिसाब से ही सीड भी रहता है, तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जो बीज लगा रहे हैं उसमें उसका रेशा कितना लंबा रहेगा, वो उसको लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं, लंबा रेशा वाला, सबसे लंबा रेशा जिसका होता है 24 से 27 mm की लंबाई का होता है। ये जो रेशा रहता है वो लंबा, पतला और एकदम चमकदार रहता है, उसे बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बनाने के लिए यूज होता है, और इसलिए उसको बेस्ट प्राइस होता है। इसलिए अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए तो सबसे लॉन्ग स्टेपल कॉटन का आपको बीज लगाना चाहिए। अभी काफ़ी समय से इसी तरह का बीज लगाया जा रहा है अपने यहाँ पे, 50% से ज़्यादा जो कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो लॉन्ग स्टेपल का ही होता है। ज़्यादातर इस तरह का कॉटन पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्रा में उगाया जाता है। दूसरा होता है मीडियम स्टेपल कॉटन, जिसकी लंबाई रेशे की जो लंबाई होती है वो 20 से 24 mm के बीच होती है। अराउंड 44-44% जो कॉटन भारत में होता है वो मीडियम स्टेपल होता है। इस तरह का जो कॉटन है वो राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, UP, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। फिर दूसरा शॉर्ट स्टेपल होता है, जो देसी टाइप का भी होता है, उसका जो कॉटन रहता है वो एकदम पुअर क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है, और वो रेशा 20 mm से कम साइज का होता है। नॉर्मली वो उससे इंफीरियर क्वालिटी का कपड़ा होता है और उसका प्राइस भी अच्छा नहीं आता है।
ये नॉर्मली 6% प्रोडक्शन इसका होता है, और ये इस तरह का कॉटन यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर उगाया जाता है। कपास को उगाने के लिए हमें किस तरह का क्लाइमेट की जरूरत है? तो कपास के अंदर ऐसा क्लाइमेट चाहिए कि जिसमें बर्फ वाला पीरियड ना हो, लंबा बर्फ के बिना का पीरियड होना हो, अच्छी खासी गर्मी चाहिए और बहुत सारा सूर्य प्रकाश चाहिए। कॉटन के लिए नॉर्मली गर्म और भेज वाला, मॉइस्चर वाला, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जब हम बीज उगा रहे होते हैं, जब हम लगाते हैं, उस समय सॉइल का टेम्परेचर 15 या उससे ज्यादा होना चाहिए। जब एक्टिव ग्रोथ का, जब ग्रोथ का समय रहता है, तो आदर्श टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 100 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा के ऊपर का, मतलब 37 डिग्री के ऊपर से का टेम्परेचर डिजायरेबल नहीं रहता है। एवरेज कॉटन जो है वो मैक्सिमम 43-43 डिग्री तक का छोटे पीरियड के अंदर तक सर्वाइव कर सकता है। लंबे समय तक अगर ये 43 या उससे ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो बहुत डैमेज हो जाता है। पर डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी लेवल, मतलब भेज का लेवल कितना है आपके यहाँ पे। अगर आपको अच्छा सक्सेसफुल कॉटन करना है तो वहां पे बार बार बारिश नहीं होनी चाहिए। और हार्वेस्ट के समय भी बहुत बार बार बारिश नहीं होनी चाहिए, तो क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो बहुत हैवी रेनफॉल वाले एरिया में नहीं चलता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, गॉट इट डॉक्टर विजय। इसको हम, मैं करेक्ट कर दूंगा कि लॉन्ग स्टिपल 27-32 रहता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग के बहुत कम उगाया जाता है, तो वो मैंने कवर नहीं किया। थैंक यू डॉक्टर विजय कुमार जी। जो सॉइल की कंडीशन रहती है वो नॉर्मली अच्छी नितार शक्ति वाली जमीन होनी चाहिए। वो इसकी जो जमीन पानी जल्दी छोड़ देती है, सैंडी लोम सॉइल रहती है, और उसके अंदर क्ले, मतलब कि चिकनाहट का भाग और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो, और जिसके अंदर माप में और नाइट्रोजन फॉस्फोरस अवेलेबल हो, तो ये बेस्ट रहती है। अगर जो जमीन बहुत लंबे समय तक पानी पकड़ कर रखती है, तो उसके अंदर रूट रॉट आने का चांस रहता है, प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं रहता है। सबसे जो बढ़िया यील्ड रहती है वो क्या बोलते हैं, लोमी, जो पानी जल्दी छोड़ देती है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की चूने की मात्रा अच्छी रहती है, उसमें रहती है। नॉर्मली एक स्लोप वाला जमीन ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है, ताकि पानी जो आए वो निकल जाए, और इसलिए फ्लैट जमीन जो कॉटन टाइप की होती है, टेबल लेवल का वाला नहीं चलता है। अगर आप जमीन तैयार कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, तो उसको आप लेजर लेवलिंग से स्लोप दे दें। जमीन का जो पीएच रहता है वो 6-8 के बीच में होना चाहिए। जो जमीन होती है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक डेप्थ की होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर तक नीचे पत्थर नहीं आ जाना चाहिए, तो ही उसकी जड़ें अच्छी तरह से नीचे जमीन तक जा पाती हैं। तो वो सॉइल की डेप्थ भी आपको देखना, तो जो आपके जमीन के नीचे पथराल एरिया है, तो वहां पे भी कॉटन में ज्यादा मजा नहीं आएगा। टाइम ऑफ सोइंग, बीज लगाने का समय, नॉर्मली जो क्रॉप लगाया जाता है वो बरसात आने से पहले लगाया जाता है। आपके एरिया में कब बरसात आ रही है या पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके ऊपर नॉर्मली लगाया जाता है। नॉर्मली इसे लास्ट वीक ऑफ जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लगाया जाता है, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से होता है। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो जल्दी भी लगाया जा सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी लगा लेते हैं। इसमें अगर आप बरसात पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप जितनी जल्दी लगाएंगे उतना आपका यील्ड ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जिसके बाद पानी की अवेलेबिलिटी है वो जल्दी लगा सकते हैं। काफी किसानों ने मई महीने में भी लगा दिया है। सीड रेट, कितना सीड होना चाहिए, क्या स्पेसिंग पे लगाना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है, आपके जमीन का प्रकार क्या है, आप कौन सी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, आपका बीज कैसे लगाने वाले हैं, तो वो उन सबके ऊपर रहता है। नॉर्मली अगर आपका अंतर 75 से 90 सेंटीमीटर दो रो के बीच में है, तो 6-8 किलो बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप देसी कॉटन जो शॉर्ट्स पे रहता है आपका, तो वो 4-6 किलो में रहता है, उसकी स्पेसिंग नज़दीक रहती है, अराउंड 45-60 सेंटीमीटर रहती है दो रो के बीच में। अगर आप बीटी कॉटन या अमेरिकन कॉटन सीड जिसको हम बोलते हैं, उसका अगर स्पेसिंग 60-75 सेंटीमीटर रखते हैं, तो
चार से साढ़े चार साढ़े छः किलो उसका बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। बीज को अगर आप ऑर्गेनिक तरह से बायोलॉजी जैविक तरीके से अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सूडोमोनस फ्लोरेसेंस जिसको हम सूडोज एल सूडोज पीके है तो 5 ग्राम उत्कर्ष सूडोज 10 दिन पहले उसको ट्रीट कर सकते हैं, बाद में सुखा के लगा सकते हैं। अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप डाइथेम मतलब मेनकोजेब M45 को भी 30 मिनट तक लगा सकते हैं ताकि कोई भी फंगल डिजीज ना लगे। उसके साथ साथ ये हमारे माइक्रोब्स है उसमें या कंक्रीट में भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जमीन की तैयारी, नॉर्मल मॉनसून रहता है तो जमीन को नॉर्मली 1 से 2 बार क्रॉस हैरोइंग के हैरो से करा जाता है। तो उस अगर हैरो लगाया जाता है तो जमीन के अंदर नमी अच्छी तरह से मेंटेन होती है। अगर बरसात लेट आ रही है तो आप प्लॉइंग से भी प्लाव करके भी जमीन को तैयार कर सकते हैं। डीप प्लॉइंग 2 से 3 साल में एक बार अगर ट्रैक्टर की मदद से करते हैं तो बहुत सारे जो खरपतवार जो आपके जमीन में आ गए हैं वो उसका प्रॉब्लम अपना कवर हो जाता है। नॉर्मली जमीन तैयार करते समय 4 से 5 टन अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट लास्ट डाल देना चाहिए जो लास्ट हैरोइंग कर रहे हैं उससे पहले। अगर आपके जमीन के अंदर दीमक या फिर ग्रब्स का प्रॉब्लम है तो आप हमारा उत्कर्ष का टर्मिनल या उत्कर्ष ग्रबनिल गोबर खाद के साथ में आप दे सकते हैं ताकि उसका प्रॉब्लम आपका कंट्रोल पहले से रहे। ये हमारे प्रोडक्ट है जो टर्मिनल है उसके अंदर बैटरिज्म एनिसोपली पेसिलोमाइसिस बिवेरिया बेसिनिया और फंगस आते हैं। सिमिलर फॉर्मुलेशन है ग्रबनिल का भी, उसमें मेटरिज्म पेसिलोमाइसिस बिवेरिया बेसिनिया और दूसरे 3 तरह के फंगस आते हैं। सोइंग कैसे सोइंग करते हैं, नॉर्मली जब बीज लगाया जाता है वो 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाया जाता है और साइड में जैसे जो हमारा जो बेड बनाया जाता है जो उसके 2/3 हाइट मतलब 2/3 जो हाइट रहती है वहां पर लगाया जाता है, हाइट से थोड़ा सा नीचे लगाया जा सकता है जहां पर नॉर्मली फर्टिलाइजर और दवाइयां दी जाती हैं ताकि करेक्ट स्पेसिंग मेंटेन की जा सके और बीज को लगाने के बाद में उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो जो सीड का जो पेयर और सिस्टम के अंदर जो 2 पेयर रहती हैं उस पर 5 सेंटीमीटर के अंतर पे बीज लगा सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। एक होल में कितने बीज लगाने हैं वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बीज लिया हुआ है। नॉर्मली 2 तरह के बीज होते हैं, एक होता है फजी बीज जिसको बोलते हैं जिसके ऊपर उसके ऊपर रेशा बाहर निकला हुआ होता है और ये नॉर्मली जेनेटिक फीचर रहता है। दूसरा जो बाजार में जो कंपनियां देती हैं वो नॉर्मली डीलिंटेड बोलते हैं मतलब जिसके अंदर जो रेशा बाहर निकला हुआ होता है वो उस तरह का कर रहे होते हैं। अगर आप बिना रेशा वाला कर रहे हैं और हाइब्रिड वैरायटी कर रहे हैं तो एक होल में एक ही सीड लगाइए, अगर रेशे वाला है तो आप 2 लगाइए, अगर आपकी देसी वैरायटी है कोई भी तो आप बिना रेशा के 2 लगाइए और रेशा वाला है तो 3 लगाइए। तो उससे क्या है कि जर्मिनेशन कम आता है तो भी आपके प्लांट पॉपुलेशन में ज्यादा असर पड़ता नहीं है। खाद और मैन्यूर कैसे देना चाहिए, नॉर्मली थंब रूल कॉटन के अंदर ये है कि जितना भी आप फॉस्फोरस और पोटेशियम दे रहे हैं उससे डबल नाइट्रोजन देना होता है। मतलब कि अगर अपना NPK है तो N अगर 20 दे रहे हैं तो फॉस्फोरस पोटाश 10-10 देना चाहिए और सॉइल का एनालिसिस के हिसाब से होता है। अगर सॉइल का एनालिसिस नहीं है तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है कि 20-10-10 के हिसाब से 20% नाइट्रोजन 10% फॉस्फोरस सॉरी 20 किलो नाइट्रोजन 10 किलो फॉस्फोरस 10 किलो पोटेशियम इस तरह से देना चाहिए। आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मैं हमारा जो शेड्यूल है वो वहाँ पे मैंने आगे आने वाला है वो शेयर करूंगा। अगर आप फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 1 वीक में एक बार फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का रिकमेंडेशन है उसका अगर रिकमेंडेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं साइज और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन सीड ट्रीटमेंट बायो फर्टिलाइजर के जैसे उसको फंगस के लिए किया जाता है उस तरह से उसको उगाने के लिए भी किया जाता है। तो एजोस्पिरिलियम जो हमारा उत्कर्ष का एजोस्पिरिलोज नाम से आता है
और फॉस्फोरस बैक्टीरिया मतलब पीएसबी जो हमारा फॉस्फोस के नाम से आता है, या इन दोनों कॉम्बिनेशन में और बहुत सारे माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन में उत्कृष्ट माइक्रोब्स आता है जो अराउंड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरा ऐसा रिकमेंडेशन भी है कि 40 ppm का नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का या हमारा उत्कृष्ट स्ट्रेस फ्री आता है उसको 60 दिन और या 90 दिन उगने के बाद में प्लांटेशन के बाद में अगर किया जाता है तो जो जो ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आता है अर्ली ड्रॉपिंग का जो बर्ड्स गिर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम कम दिखाई देता है। ये हमारा शेड्यूल है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि सोइंग से पहले DAP 50 किलो और MOP 25 किलो, मार्वल जी उसके साथ में 10 किलो देना होता है। जर्मिनेशन के बाद में ड्रेंचिंग स्ट्रेस फ्री और रूट्स मल्टीप्लाई का है, फिर अच्छे ग्रोथ के लिए ये शेड्यूल है। ये हमारा स्प्रे का शेड्यूल है जस्ट इसका सब। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हम रिकमेंड करते हैं कि सोइंग से पहले DAP और MOP के साथ में मार्वल जी देना चाहिए। ग्रोथ स्टेज में 5वें दिन में, 6 से 12वें दिन में, 13वें दिन में, ये बहुत अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल है। ये फ्लावरिंग के लिए और ग्रोथ स्टेज का शेड्यूल है। तो ये जो हम फर्टिलाइजर रिकमेंड करते हैं ये अगर इंडिविजुअली लेते हैं तो महंगा पड़ता है। अगर आप हमने इसके लिए किसानों के कहने पर हमने किट भी बना दी है, अगर आप इंडिविजुअली लेते हैं तो 11,000 का पड़ता है, अगर पूरी किट लेते हैं तो 8,200 में पड़ता है। ये क्या बोलते हैं बेजल डोज है जिसके अंदर सोइंग से बिफोर सोइंग से लेकर क्या बोलते हैं 30 दिन तक का जो डोज हम रिकमेंड करते हैं वो आ जाता है। फिर ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टेज का जो हमारा रिकमेंडेशन है 26 दिन से लेकर 50-55 दिन तक का वो पूरी किट आ जाती है 9,600 रुपये की। और कॉटन फ्लावर सेटिंग जो डेवलपमेंट का स्टेज है उसके अंदर की हमारी ये किट है। ये हमारी किट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस तरह से हमने 3 से 4 किट बनाई हैं जो इसमें सब कुछ आपका बहुत अच्छे तरह से कवर हो जाता है। अब पानी के मैनेजमेंट के बारे में, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो रहता है वो इरिगेटेड कॉटन क्रॉप रहता है जो नॉर्मली क्या बोलते हैं एक मिनट जरा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मली हैवी इरिगेशन पहली बार दिया जाता है, उसके बाद सेकेंड इरिगेशन लाइट दिया जाता है, 2 से 3 बार दिया जाता है जर्मिनेशन के बाद में। उसके बाद में डिपेंड करता है कि बरसात कैसी है और आपकी जमीन कैसा है। फ्लावरिंग के समय और जब बॉल फॉर्मेशन होते हैं ये सबसे क्रिटिकल स्टेजेस हैं। इस समय में कभी भी पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। इस समय अगर पानी की कमी रहती है तो फ्लावर बर्ड जो रहते हैं जो कपास का बॉल रहते हैं उनके ड्रॉपिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर नॉर्मली जो सोइंग रहती है वो रिजेस के ऊपर पहाड़े के ऊपर रहती है, तो 2 लाइट इरिगेशन तुरंत दे देने चाहिए। उसके बाद 1-2 इरिगेशन जब तक बारिश नहीं आती तब तक दी जाती है। डिपेंड करता है कि उसके बाद में कितनी बारिश आ रही है, कि बारिश आ रही है तो इरिगेशन की जरूरत है कि नहीं है। नॉर्मली 6 से 8 इरिगेशन की जरूरत रहती है और 600 से 800 mm पानी की जरूरत रहती है, बरसात वाला एरिया रहता है उसके लाइफ टाइम के अंदर। ये कुछ स्टैंडर्ड है जो 4 क्रिटिकल स्टेज हैं जिसमें क्रॉप को पानी मिलना ही मिलना चाहिए। शुरुआत का जो स्टेज रहता है 45 से 50 दिन सोइंग के बाद में जब ब्रांचिंग और स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय देना चाहिए। 75 से 85 दिन में सोइंग के बाद में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज है, 95 से 105 दिन का में जब बॉल फॉर्मेशन हो रहा है, 115 से 125 दिन में जब बॉल का डेवलपमेंट हो रहा है या बॉल खुल रहा है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। इन स्टेजेस का हमेशा ध्यान रखें कि इन स्टेजेस में कभी भी पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर बरसात नहीं गिर रहा है तो आपको उस समय पानी देना ही देना है। आप सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन भी लगा सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन का से हमेशा प्रोडक्शन ज्यादा आता है। सब सरफेस जो ड्रिप इरीगेशन रहता है वो जमीन के अंदर रहता है। आप सब सरफेस भी लगा सकते हैं, ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन सब सरफेस ये रिसर्च डेटा के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये वो ज्यादा अच्छा रिकमेंडेशन है। लेबर भी कम लगता है इसके अंदर
और सॉइल जल्दी ऊपर से ड्राई रहती है और सॉइल बॉर्न डिजीज की प्रॉब्लम बहुत कम आती है और वीड्स का भी प्रॉब्लम कम रहता है। अगर हो सके आपके यहाँ पे ड्रिप का सिस्टम लगा के करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वीड मैनेजमेंट नॉर्मली लगाने से बाद वीड को मैनेज करने के लिए पेंडेमिथलिन 1.25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 3 दिन के बाद में सोइंग के बाद लगाया जाता है नॉर्मली हैंड स्प्रे से, ताकि जो भी बीज उगना बीज पड़ा हुआ है वो उगे ना और एकदम राहत रहे। जब भी आप हर्बिसाइड लगा रहे हैं तो जमीन के अंदर सफिशिएंट भेज होना जरूरी है, मॉइस्चर होना जरूरी है। अगर उस तरह से करते हैं तो 40 दिन तक आपका वीड फ्री कंडीशन रहती है। अराउंड 45 दिन सोइंग के 45 दिन के बाद में वापस से हाथ से एक बार वीडिंग कर लेना चाहिए 45 से 60 दिन के बीच में। अगर आपने हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं किया है तो 18 से 20 दिन के बीच में आपको हाथ से वीडिंग करना जरूरी है। अगर आप खरपतवार को दूर नहीं करते हैं और उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो प्रोडक्शन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वीड्स जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसको खा लेगा। अंतरखेड़ इंटरकल्टीवेशन, अगर टाइम पर वीडिंग कर रहे हैं और वीडिसाइड का कर रहे हैं तो वीड पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेंगे। इसके साथ साथ आपको इंटरवल कल्टीवेशन भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम ड्रिप इंटरकल्टीवेशन करना है, लेकिन आप अगर फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं तो ज़्यादा करना चाहिए। अगर बहुत नज़दीक नज़दीक है आपका स्पेसिंग बहुत नज़दीक नज़दीक है तो छोटा इम्प्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आप मल्चिंग भी यूज कर सकते हैं, मल्चिंग कर रहे हैं तो फिर इंटरकल्टीवेशन का स्कोप रह नहीं जाता है। गैप फिलिंग और थिनिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 10वें दिन तक बीज जो आपने लगाया वो नहीं उग रहा है तो आपको वापस से उसको सोइंग करना चाहिए। इसको करने के लिए आपको नर्सरी में सीडलिंग उगा लेने चाहिए 10 से 10-15 बाय 10 सेंटीमीटर की बैग साइज के हिसाब से। जो बैग रहता है उसके अंदर आप एक भाग गोबर खाद और 3 भाग सॉइल यूज कर सकते हैं। एक बीज एक में डाला जाता है ताकि पौधा पूरा रेडी हो जाए। तो अगर 10वें दिन जहां पे भी आपका पौधा नहीं उगा है वहां पर आपको पौधे को लगा देना चाहिए। पंद्रहवें दिन अगर आपका जैसे आपने मैंने बताया था 2 सीड या 3 दिन सीड लगा दिया है और सारे के सारे अच्छी तरह से उग गए हैं अगर सीड के तो है तो 15वें दिन थिनिंग करने की जरूरत रहती है, क्योंकि हमें प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करना जरूरी है। तो जो भी एक्स्ट्रा पौधे अपने उगे हुए हैं तो उसे हमें निकाल देना चाहिए और अगर जहाँ पर गैप है तो वहाँ पर गैप कर देना चाहिए 10वें दिन। अगर आप दूसरा क्रॉप लगाना चाहते हैं या कई लोग लगाते भी हैं तो सोयाबीन है, तुअर है, उड़द है, मूंग है, ये सबको आप इंटरक्रॉप की तरह कॉटन के अंदर ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के जो प्लांट जो जीवात या इंसेक्ट जो पड़ते हैं। फ्रूट बोरर का प्रॉब्लम देखा जाता है नॉर्मली नॉन बीटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो फ्रूट बोरर रहता है वो जो बॉल सर्कुलर बॉल के अंदर एक गोल तरह का छेद कर देता है, उसमें एक लार्वा होता है कि जो देखा जाता है कि बॉल के अंदर जाता है और उसके अंदर जाके खाता है। और अगर फ्रूट बोरर रहता है तो दाने दाने का उसकी जो क्या बोलते हैं शीट रहती है, फेशियल रहता है, वो हमें बॉल के बाहर दिखाई देती है, काले रंग की रहती है। ये देखिए ये इसकी शीट है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक सिंगल लार्वा जो है 30 से 40 बॉल को नुकसान कर सकता है। ये इस तरह से ये लार्वा अंदर जाता है, नुकसान कर रहा है ये कोई गोल एग्जैक्टली बॉल के अंदर। इसको मैनेज करने के लिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी भी लगानी चाहिए ताकि जो ये बॉल उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि उस पर जल्दी फ्लावरिंग आ जाती है। जल्दी फ्लावरिंग आ जाती है तो वो जो बॉल बॉम का अटैक है तो वो उसके ऊपर पहले हो जाता है, तो मेन अपने क्रॉप के ऊपर नहीं होता। तो आप जो सीड कंपनी का रहता है उसके अंदर वो एक डिज़ाइन भी देते हैं कि अगर आप बीटी लगा रहे हैं
तो बीटी के साथ साथ आपको देसी वैरायटी या शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगा देनी चाहिए ताकि बैलेंस रहे। आपको आप दो बार दोनों बार में समर या विंटर दोनों सीजन के अंदर या रटून के अंदर सेम टू सेम कॉटन नहीं लगाना चाहिए। आपके यहाँ पे अगर मोनो ज्यादा प्रॉब्लम है बॉलवर्म का तो मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, कैस्टर है, जुआर है, उसको कॉटन के साथ लगाते हैं अगर इंटरक्रॉप के अंदर या बॉर्डर पे तो पेस्ट का प्रॉब्लम कम देखा जाता है। और अगर आपका आपने जो भी कोई इससे पहले क्रॉप किया है तो उसका जो भी रेसिड्यू जो भी उसका बचता है उसको दूर कर देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि जो भी बॉलवर्म के लिए जगह ना रहे। नाइट्रोजन का जैसे रिकमेंड किया गया है, जिस तरह से किया गया है उस तरह से ही उसका उपयोग करें। नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भी ये बॉलवर्म का अटैक बढ़ जाता है। जैविक कंट्रोल के लिए आप बीटी आता है हमारा उत्कर्ष बीटी के नाम से आता है तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा ब्यूवेरिया बेसियाना का भी रिकमेंडेशन है, ये हमारा एक बायोक्लीन स्वीप करके है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, नागपुर के अंदर सर आपका वो क्या बोलते हैं कौन सी वैरायटी कर रहे हैं ना उसके ऊपर मेजर है, इसलिए आपके वहां पर देसी वैरायटी शायद ज्यादा चलती होगी, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप नेचुरल प्रीडेटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शुगर फैक्ट्री हमारे सूरत के आसपास ही शुगर फैक्ट्री तो ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स देती है, तो जहाँ पे ट्राइकोग्रामा के कार्ड मिले तो वो 2.5 cc प्रति एकड़ 15-15 दिन के इंटरवल पे 45 दिन के बाद लगा लेने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे नेचुरल प्रीडेटर हैं क्राइसोपरला है उसका भी या ब्लैक बोरनी कहते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो जैविक तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ केमिकल का उपयोग कर रहे हैं तो ये अलग अलग क्या बोलते हैं केमिकल्स के नाम हैं उसके डोज के साथ में जो आप यूज कर सकते हैं बॉलवर्म का कंट्रोल करने के लिए। पिंक बॉलवर्म इवन बीटी के अंदर भी पिंक बॉलवर्म का बहुत ज्यादा प्रकोप है। यस, अर्ली वैरायटी, वो तो अर्ली वैरायटी के मैंने बोला जयराज जी कि वो अर्ली वैरायटी पहले ऐसा लगा सकते हैं, वो मेरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर मैंने बोला ही है, साथ में कर सकते हैं, वेरी ट्रू। बॉलवर्म के जो सिम्टम्स जो होते हैं वो डैमेज के कैसे मालूम पड़ते हैं कि जो फूल होते हैं वो पिंक आ गया आता है, ये पिंक कलर के इस तरह के रोज जैसे कलर के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसका जो एक्सक्रेटा या उसकी जो शिट होती है वो बाहर दिखाई दे रही होती है, बॉल जो है वो खुल जाता है, जो उसका अंदर का जो कर्नल रहता है सीड का वो डैमेज हुआ होता है, वो जो इंटरलोक्यूर बोरोइंग जो बोलते हैं ये देखिए ये इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है और पिंक कलर का वो कीड़ा दिखाई देता है, उसे पिंक बॉलवर्म बोलते हैं। लास्ट 2-3 साल से गुजरात के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा आया हुआ है। इसका कंट्रोल करने के लिए एक तो आप फेरोमोन ट्रैप का लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप आता है पिंक बॉलवर्म का, उसका उपयोग कर सकते हैं वापस, प्लस ट्राइकोग्रामा को आप छोड़ सकते हैं। दूसरा अलग अलग पेस्टिसाइड का जैसे रिकमेंडेशन है, जैसे ट्राइजोफोस है, फोसलॉन है, केमिकल में वो कर सकते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं जैविक तरीके से करना चाहते हैं तो उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप है और उत्कर्ष का नीमोज गोल्ड है, आप वो उसका उपयोग कर सकते हैं, ये जैविक नेचुरल तरीका है कंट्रोल करने का। फिर स्पॉटेड बॉलवर्म जिसको लश्करी ईयर भी बोलते हैं गुजराती के अंदर या काबड़ी ईयर बोलते हैं सॉरी, तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं कि जो जो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर जो ऊपर का शूट का भाग है वो यूं झुक रहा होता है, जैसे ये देखो झुक रहा है, वहां से वो होल के अंदर एंटर होता है। जो स्क्वायर और जो यंग बॉल्स हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और क्या बोलते हैं होल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और सड़ना शुरू हो जाता है बॉल। इसके मैनेजमेंट के लिए आप अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो रिकमेंडेशंस है वो आप स्प्रे कर सकते हैं, पर हेक्टर के हिसाब से है।
जैविक कंट्रोल करने के लिए बीटी का कंट्रोल कर सकते हैं, उत्कर्ष बीटी का यूज कर सकते हैं, या बायोक्लिन का यूज कर सकते हैं। कॉटन वीविल, कॉटन वीविल जो रहता है उसका सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि जो स्टेम का भाग होता है वो फूलना, नीचे के भाग से फूलना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये फूल गया है, ये वीविल जब अंदर घुस जाता है तो जो छोटे प्लांट रहते हैं वो तुरंत के तुरंत मर जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट रहते हैं जो सर्वाइव करते हैं उनमें ताकत और जोश की कभी मतलब ऐसा ढीले ढीले दिखाई देते हैं, और जब बहुत ज्यादा हवा आती है तो वो भी उस समय वहां से गिर के टूट जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको गोबर खाद के साथ में नीम केक का उपयोग करना चाहिए। सीड को अगर आपके यहाँ पे वीविल का प्रॉब्लम ज्यादा है तो क्लोरोपाइरीफॉस से उसको सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर ये पेस्टिसाइड का अपने कार्बो प्यूरान आप नीचे दे सकते हैं, या कार्बोराइल ये इसका जो पाउडर आता है वो दे सकते हैं, या उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप भी आप क्या बोलते हैं लगाने के बाद में आप दे सकते हैं ताकि उसका कंट्रोल रहे। शूट वीविल जो उसके सिम्टम्स रहते हैं उसमें ऊपर के भाग में होल क्या बोलते हैं दिखाई देता है, अगर हम जब खोल के देखते हैं तो अंदर से पूरा का पूरा होल हो गया होता है। इसके लिए भी आपको कार्बोपिरान को देने की जरूरत है शुरुआत में, या उसके साथ में नीम केक देने की जरूरत है, या फिर आप बायोक्लीन स्वीप का शुरू में उपयोग कर सकते हैं। स्टेम बोरर, ये सभी तरह के बोरर्स के नॉर्मली सिम्टम सिमिलर रहते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग कीड़े रहते हैं, उनका क्या बोलते हैं क्योरिंग का तरीका भी मतलब बचाव का तरीका भी वही का वही रहता है। कार्बोप्यूरान का आपको देना चाहिए शुरुआत में 20 दिन के बाद में सोइंग के, और उसको पाड़ा चढ़ा देना चाहिए मतलब बेड चढ़ा देना चाहिए, और साथ में नीम केक का उपयोग करना चाहिए। लीफ रोलर, लीफ रोलर जो रहता है उसके अंदर पत्ते मुड़ जाते हैं, ये जैसे ये पत्ता आपको दिख रहा है रोल किया हुआ है। मार्जिन जो रहता है ये मार्जिन है, ये मार्जिन में खाया हुआ होता है पत्ते को, और प्लांट का फोलियज एकदम बिगड़ जाता है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो भी है उसको आप हाथ से निकाल सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, साथ में आप स्प्रे कर सकते हैं उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट से कर रहे हैं तो ये क्लोरोपाइरीफॉस, अब डाइक्लोरोवॉस तो बैन हो गया है लेकिन क्लोरोपाइरीफॉस का या पेनिट्रोथिन का भी उपयोग कर सकते हैं। टोबैको कटवर्म, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक साथ में दिखाई देता है, गुजराती में इसको लश्करी अड़ भी कहा जाता है, तो वो नॉर्मली ऊपर लेयर जो रहता है पत्ते के उसके ऊपर के भाग में बहुत ज्यादा डैमेज करता है। जो लार्वा रहता है वो छोटे छोटे होल के स्वरूप में खा जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए आप लाइट ट्रैप रख सकते हैं या फेरोमोन ट्रैप रख सकते हैं 5 प्रति एकड़, स्पेसिफिकली इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग तरह के फेरोमोन ट्रैप आते हैं, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से करिए। अगर आपके यहाँ पे इसका प्रॉब्लम रेगुलर है तो आप दिवेल लगा सकते हैं, कैस्टर लगा सकते हैं बॉर्डर पे। आपके यहाँ पे अगर अंडे दिखाई दे रहे हैं तो उनका उसको रिमूव कर देना चाहिए कैस्टर के ऊपर या कॉटन क्रॉप के ऊपर हाथ से रिमूव कर देना चाहिए और उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। दूसरा फिजिकल हाथ से पिकअप करने से कंट्रोल ज्यादा अच्छा रहता है, जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो इस तरह से आप ये क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरेंथी प्रोल, डाइफ्लू बेंजूरिन का स्प्रे कर सकते हैं। एश वीविल, ये सफेद रंग का मतलब राख के जैसा कलर का कीड़ा होता है इसलिए इसको एश वीविल बोलते हैं। इसके इस ये लीफ के जो मार्जिन रहता है वो उसको मोड़ देता है, प्लांट जो होता है पैचेस में उसके अंदर सूखना शुरू हो जाता है, प्लांट को अगर हम खींचते हैं पौधे को खींचते हैं तो वो आराम से आ जाता है। रूट्स जो जड़े रहती हैं वो ग्रब्स को खा जाती हैं, तो मैनेजमेंट के लिए जहाँ पे भी इन्फेक्शन दिखाई दे वो पौधे को निकाल देना चाहिए, क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करना चाहिए, या फिर अपना जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे करना चाहिए। लीफ हॉपर, लीफ हॉपर के अंदर
ये नॉर्मली नए पत्तों के ऊपर लगता है, नए पत्ते पीले बनने शुरू हो जाते हैं, जो उसके मार्जिन रहता है वो मुड़ना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ और लाल होना शुरू हो जाता है, ये जिस तरह से यहाँ पे ये दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन रहता है तो पत्तों के ऊपर ब्रॉन्ज या रेड कलर का कलर दिखाया जाता है। सर ये किट जो है वो फ्लड इरिगेशन में भी चलता है, इसके बाद में बात मैं आपको लास्ट में जवाब दे दूंगा मैं आपका। इसका जो मार्जिन रहती है वो टूट जाता है, पत्ते भी सूख जाते हैं और गिर जाते हैं इसके अंदर। इसका मैनेजमेंट के लिए अलग अलग ये सब पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन है, या फिर आप नीम केक का भी 5% 10 किलो प्रति एकड़ पहले से दे सकते हैं, नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। हमारा उत्कृष्ट का निमोज गोल 10,000 ppm आता है, उसका भी रेगुलरली स्प्रे कर सकते हैं तो लीफ ऑपर का कंट्रोल अच्छा रहता है। कॉटन एफिड्स के अंदर एफिड जो पत्ते के पीछे के साइड पे रहती हैं, पीले रंग की और सफ़ेद रंग की पीछे की साइड पे दिखाई देती है और पत्ते को पीछे अंदर नीचे की तरफ मुड़ जाता है, काले रंग का मोल्ड दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसका नियंत्रण के लिए ये सारे पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन है। अगर आप जैविक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थ्रिप्स का अगर अटैक रहता है तो नए पत्ते जो रहते हैं, लीफ कर्ल, ये रहा लीफ कर्ल का कंट्रोल, एक मिनट। ये लीफ कल, ये थ्रिप्स लीफ, एक मिनट, लीफ कल जब होता है तो लीफ कल के अंदर जो सिम्टम्स रहते हैं वो थ्रिप्स के और एफिड के जैसे ही रहते हैं। तो आप जो इसमें रिकमेंडेशन है, इसमें नॉर्मली ये भी नए पत्ते के ऊपर रहता है, नए पत्ते एकदम सिकुड़ जाते हैं और छोटे साइज के हो जाते हैं। आप अगर मोबाइल के ऊपर इसको डालते हैं तो आपको क्लियर कट दिखाई देता है, बाकी बिना आँख मतलब डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, मोबाइल के ऊपर दिखाई देता है कि लाल रंग का येलो रंग का कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर उसका रेगुलरली प्रॉब्लम है तो आपका जो सीड का इमीडिएट क्लोरोपेट से ट्रीट करके या बायोक्लीन स्वीप से ट्रीट करके आपको उसको देना चाहिए। ये सब केमिकल्स के रिकमेंडेशन है थ्रिप्स का कंट्रोल करने के लिए। व्हाइट फ्लाई के अंदर सफ़ेद रंग की मक्खी होती है जो पत्ते के पीछे के साइड पर रहती है, पत्तों के ऊपर डॉट्स पड़ जाती हैं, उसको कंट्रोल करना रहता है। लीफ कल का मैं अभी आगे 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 स्लाइड आएगी सर, आगे उसकी स्लाइड है, डोंट वरी। मतलब पीला पीला स्पॉट्स आ जाती हैं उसके अंदर। उसका जब बहुत ज्यादा अटैक रहता है तो सूटी मोल्ड मतलब कि ब्राउन कलर का मोल्ड वहां पे दिखना शुरू हो जाता है। और ये व्हाइट फ्लाई जवाबदार रहता है लीफ कल वायरस के लिए भी। बराबर है जयराज जी के थ्रिप्स का डैमेज होता है तो लीफ ऊपर की तरफ कर्लिंग होता है, माइट्स में नीचे की तरफ कर्लिंग होता है, माइट्स के अलावा एफिड्स रहता है उसके अंदर भी नीचे की तरफ कर्लिंग रहता है। बराबर है लीफ थ्रिप्स का नॉर्मली जब अटैक रहता है तो वो नए पत्तों के ऊपर ही रहता है, पुराने पत्ते जब मोटे हो जाते हैं तो वो नॉर्मली थ्रिप्स का डैमेज नहीं रहता है। व्हाइट फ्लाई का अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो लीफ कल वायरस में भी वो मतलब कन्वर्ट कर डालता है। अगर आपके यहाँ पर व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल बहुत ज्यादा अटैक रहता है तो आपको क्या बोलते हैं होस्ट क्रॉप मतलब जो दूसरा उसका रहता है क्रॉप अल्टरनेट आपको उसका यूज करना चाहिए, मतलब साल में एक ही बार यूज करना चाहिए। साथ में आपको क्रॉप रोटेशन के अंदर जिन क्रॉप्स के ऊपर व्हाइट फ्लाई नहीं आती है जैसे कि ज्वार है, रागी है, मक्का है, वो सबका लगाना चाहिए ताकि व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल रहे। जो वीड्स रहती हैं, जो हर तरह के वीड्स को हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपना फील्ड को एकदम साफ रखना चाहिए ताकि वाइट फ्लाई को नीचे जाने की जगह ना मिले। जिस समय सोइंग का रिकमेंडेशन है उसी तरह से सोइंग करें, जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से ही करें, फर्टिलाइजर को भी जितना जिस तरह का रिकमेंडेशन है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन का जो रिकमेंडेशन है,
पानी का जो रिकमेंडेशन मैंने जैसे बताया है, अगर उसको सब कुछ हम ढंग से करते हैं, प्लांट को हेल्दी रखते हैं, तो वाइल्ड फ्लाई का कंट्रोल रहता है। खास करके हमें फील्ड के अंदर हमें खरपतवार को कंट्रोल रखने की जरूरत है। मैंने आगे खरपतवार का पूरा स्लाइड लिया है। केमिकल कंट्रोल अगर आपको करना है तो ये सब अलग अलग टेक्निकल, एसिटामिप्रेट, एसिटाइरेक्टिन, ब्यूप्रोफेनजिन, क्लोरोपाइरीफॉस, मतलब एसिटाइरेक्टिन तो ऑर्गेनिक में आएगा, मतलब 1500 बीपीएम है हमारा, या 1500 बीपीएम उत्कर्ष निमो सिल्वर के नाम से आता है। जैविक कंट्रोल करना है तो वर्टिसिल लिकेनी, जो हमारा उत्कर्ष वर्टिकोस के नाम से आता है, या फिर बायोक्लीन स्विप का ले सकते हैं जिसमें ऑलरेडी वर्टिसिल लिकेनी भी आता है। मिलीबग्स इतना डेंजरस, कई बार जब मैंने काफी किसानों के वहां देखा है कि मिलीबग्स जो एक बार लग जाता है कॉटन के अंदर तो क्रॉप को निकाल देना पड़ता है। मतलब ये जैसे शुरू हो रहा हो, मतलब हो रहा हो, उसको तुरंत के तुरंत कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके अंदर डालियों के ऊपर इस तरह का सफेद सफेद रंग का कीड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। शुरुआत इस तरह से होती है, बाद में पूरा का पूरा हो जाता है, चिकना पदार्थ भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, चिकास वाला, उसको तुरंत हाथ से कर देना चाहिए। उसका मैनेजमेंट के लिए जो भी वीड्स हैं उसको दूर करना चाहिए। देखते रहना चाहिए कि अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कोई पौधे पे दिखाई दे रहा है, तो पौधे को पहले निकाल देना चाहिए। शुरुआत के स्टेज में ही कंट्रोल कर देना चाहिए। जैसे दिखाई देता है उसके बाद में नीम कर्नल का या फिर नीम ऑयल का स्प्रे ले लेना चाहिए, या फिश ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। आपका अवेलेबल है तो अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं, जैसे एसिरोफेगस पपाया 100 पर विलेज, या अगर आप केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं तो ये सब काम का ज्यादा रहता है। केमिकल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप डाइमिथियोथ है, प्रोपेनोफॉस है, उसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। उत्कर्ष के बायोक्लीन स्वीप का भी मिलीबग्स पर बहुत ज्यादा अच्छा नियंत्रण है। ये मैंने आपको अलग अलग हमारी रिकमेंडेशन की है, ये हमारा मेटरिजियम एनिसोपली है, फिर ये उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप है, नीमोस गोल्ड है, जो आपको मैंने अलग अलग रिकमेंडेशन कहे। इसके बाद में फंगस के लिए ये हमारे 2 रिकमेंडेशन है, सूडोजेल, ट्राइकोजेल। अब अपने अलग अलग तरह के डिजीज देखेंगे। फ्यूजेरियम विल्ट के सिम्टम्स के अंदर ऐसा है कि वो नॉर्मली अगर छोटे पौधे के अंदर आ रहे तो छोटे पौधे पीला पड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्राउन रिंग बननी शुरू हो जाती है उसके पिटियोल के ऊपर, बाद में वो एकदम पौधा सूखना शुरू हो जाता है और फिर वो सूख कर मर जाता है। राजेश जी, मैं आपको लास्ट में इसका जवाब दे दूंगा, ये सब प्रेजेंटेशन खत्म होती है ना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैं कवर कर लूंगा मैं इसको। इसका अगर जब सूखना शुरू होता है पीला, ये देखो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पूरा सूख जाता है पौधा। इसके नियंत्रण के लिए अगर आप जो डीलिंटेड सीड रहते हैं उनको, उसको कार्मेडिज्म को शुरुआत से अपने ट्रीट कर सकते हैं। अगर जो भी अंदर कचरा पिछले क्रॉप का बच गया है उसको निकाल देना चाहिए, इन्फेक्टेड जो भी कचरा अंदर है उसको जलाकर दूर कर देना चाहिए। बैलेंस डोज नाइट्रोजन का, पोटाश का, फास्फोरस का देना चाहिए, जिस तरह से हमने रिकमेंड किया है वो, और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन जो है उसके हिसाब से देना चाहिए। जितना हो सके उतने ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए। अगर आपके वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा, ये 40 टन तक का रिकमेंडेशन है। अगर दिखाई दे जाता है कि जैसे कि भाई है, तो केमिकली अगर आप दे रहे हैं तो बेनोमिल है या कर्मेडिज्म का आपको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आप जैविक कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष का फंग फ्री 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से द्रावण बना के जड़ों में आप दे सकते हैं, उससे काफी अच्छा रिजल्ट आपको कंट्रोल दिखता है। लेकिन इसका विल्ट इतना डेंजरस डिजीज है कि अगर आपने इसको लेट किया तो पूरे के पूरे क्रॉप को खत्म कर डालता है। वर्टिसिलियम विल्ट, ये इसका सिम्टम जो रहते हैं ये भी बॉल फॉर्मेशन स्टेज या स्क्वायर फॉर्मेशन स्टेज जो बोलते हैं उसके अंदर नॉर्मली नुकसान करता है। जो नसें रहती हैं वो ब्रॉन्ज कलर की होनी शुरू हो जाती हैं, बाद में पीले पड़कर पत्ते की धार जल जा रही हो इस तरह से दिखाई देता है।
जो पौधे रहते हैं वो पिंक कलर का स्टेम और रूट दिखाई देता है, और वो जो बॉल की साइज, जो बॉल निकलता है वो छोटे साइज का निकलता है। इसके अंदर भी सिमिलर ही रिकमेंडेशन है जैसे अगले वाले विल्ट में आपने दिया था, कार्बनडाइजम से उसको सीड को ट्रीट करना है, जो भी कचरा निकाल देना है, हैवी डोज देना है कंपोस्ट का, क्रॉप रोटेशन करना है पैडी से या लूसरिन से, और रोग अगर आ जाता है जरा दिखता है तो कार्बनडाइजम करना है, अगर जैविक तरह से कर रहे हैं तो फंग फ्री दीजिए। रूट रॉट, जड़ों का सड़ना, इसके जो सिम्टम रहते हैं वो जो पौधे उगते हैं उसके अंदर काला रंग का स्टेम के ऊपर दाग दिखने शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी पौधे मर जाते हैं। ये नॉर्मली पानी अचानक से बहुत सारी बरसात आ जाती है, पानी भर जाता है तो ये रूट रॉट का प्रॉब्लम उस समय ज़्यादा दिखाई देता है। पूरा का पूरा जो नीचे का भाग रहता है वो काला हो जाता है, वो सड़कर पौधा मर जाता है। जब हम खींचते हैं तो दिखाई देते हैं कि उसके अंदर जड़ें सड़ चुकी होती हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके वहाँ पर आता है, बहुत हैवी रेनफॉल है, तो आप सीड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं उत्कर्ष ट्राइकोस या सुडोस से, या केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कार्बनडाइजम से या थायरम और कार्बनडाइजम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। अगर जैसे बरसात भर बहुत ज़्यादा आ जाती है तो आप कार्बनडाइजम का ड्रेंचिंग कर सकते हैं, नीम केक का आप दे सकते हैं शुरुआत में। सोइंग का जिस तरह का टाइम रहता है, सोइंग का टाइम देखकर करना चाहिए, जैसे कि जमीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, बहुत अगर हैवी टेम्परेचर रहता है तो भी अपने को क्या बोलते हैं रूट रॉट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इंटरक्रॉपिंग करिए इसका, जुवार का या मोट का, और ताकि टेम्परेचर सॉइल का टेम्परेचर लो रह सके, या फिर आप साथ में रूट रॉट अगर दिखता है तो आप फंगफ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुडोस और ट्राइकोस हमारा लिक्विड फॉर्मुलेशन और पाउडर फॉर्मुलेशन दोनों में आते हैं। ट्राइकोस ट्राइकोडर्मा वेरिडी है, सुडोस जो है वो सुडोमोनस फ्लोरेसेंस है। ग्रे या एरियोलेट मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, फंगस डिजीज रहता है। इसके अंदर जो पत्ते के जो लोअर सरफेस पीछे का भाग रहता है उसके ऊपर ग्रे कलर का पाउडर जैसा ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। पौधे के पत्ते के ऊपर किसी ने पाउडर का स्प्रे किया हो ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, और उसका जो ऊपर का भाग रहता है वो क्या बोलते हैं लाइट ग्रीन, थोड़ा थोड़ा हरा जैसा और लालाश जैसा आना शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है तो। कुछ वराइटीज़ हैं जो मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि सुजाता है या वारालक्ष्मी है। इसके मैनेजमेंट के लिए जो भी कचरा अंदर रह गया हो उसको आपको पहले जला देना चाहिए। नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर का ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा उपयोग ना करें, जो स्पेसिंग वैरायटी के हिसाब से या सॉइल कंडीशन के हिसाब से स्पेसिंग करेक्ट रखें। कार्बनडाइजम का या वेटेबल सल्फर का केमिकल अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो कार्बनडाइजम या वेटेबल सल्फर या हेक्सोकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं, या जैविक कंट्रोल के लिए आप उत्कर्ष का फंगफ्री 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। बॉल रॉट, बॉल रॉट जो होता है वो जो बॉल होता है उसका सड़ना शुरू हो जाता है, ब्राउन या ब्लैक डॉट लगने शुरू हो जाते हैं। जो रॉटिंग रहती है वो अंदर से या बाहर से रहती है, और जो बॉल जो रहता है वो जल्दी खुलता नहीं है और वो गिर जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए जो स्पेसिंग रिकमेंडेड है सीड के हिसाब से उस तरह से करिए, आपके सॉइल के हिसाब से फर्टिलाइजर का भी डोज रिकमेंडेड के हिसाब से करें। अगर अगर ज़रा सा बॉल डॉट दिखता है तो कार्बनडाइजम या मैनकोजेब का स्प्रे करें 45 दिन के हिसाब से। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप उत्कर्ष के फंगफ्री का भी स्प्रे कर सकते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट के अंदर जो वो नॉर्मली 45 से 50 दिन का जब पौधा होता है उस समय ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका जब अटैक होता है तो पत्तों के ऊपर इस तरह के ब्राउन और लाल रंग के स्पॉट दिखने शुरू हो जाते हैं, इसको हम अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट बोलते हैं। जो हर स्पॉट रहता है उसके वो समय के साथ में उसके अंदर सफ़ेद रंग का भी होना शुरू हो जाता है, जैसे पुराना होता है तो ऐसा सफ़ेद रंग का भी होना शुरू हो जाता है। जो जिस एरिया के अंदर ये सफ़ेद रंग का भाग आ जाता है वो एकदम ब्रिटल हो जाता है, मतलब आप आराम से उसमें छेद आराम से कर सकते हैं।
इसकी कंट्रोल के लिए जो भी इन्फेक्टेड प्लांट रहता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या केमिकल कंट्रोल के लिए आप मैनकोजेब या COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 स्प्रे की जरूरत रहती है 15 दिन के अंतराल पे। उत्कर्ष का पंक्री का भी आप स्प्रे कर सकते हैं ये जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए। माइरोथेसियम लीफ स्पॉट, ये एक दूसरे तरह का लीफ स्पॉट भी रहता है जिसके अंदर आधे mm से 1 सेंटीमीटर तक का डायमीटर का जो क्या बोलते हैं स्पॉट बनता है, एकदम उसकी धार के नज़दीक बनता है जो पोर्शन जो रहता है उसमें इरेगुलर तरह के स्पॉट दिखाई देते हैं। जो भी पौधा अगर अपने को दिखता है तो उसको निकाल देना चाहिए, मैनकोजेब COC का स्प्रे करना चाहिए। सिमिलर रिकमेंडेशन है लीफ ब्लाइट जैसा। सर्कोप्सोरा लीफ स्पॉट, ये वापस से ग्रे तरह का लीफ स्पॉट दिखाई देता है, नॉर्मली डार्क ब्राउन या ब्लैकिश बॉर्डर दिखाई देती है और इसका रिकमेंडेशन भी लीफ स्पॉट या फिर लीफ ब्लाइट जैसा ही है, सेम टू सेम। जो मैंने बार बार आपको फंगफ्री रिकमेंड किया था, ये अलग अलग तरह के फंगस से बना हुआ है, इसमें ट्राइकोडर्मा वेरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्देनियम, एम्पेलोमाइसिस क्वालिसस और दूसरी 3 स्पीशीज आती हैं जिससे कॉम्बिनेशन से बनता है और इसके बहुत सारे ट्रायल्स और बहुत सारी बार हमने इसको स्प्रे करवाया अलग अलग क्रॉप्स में और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट एयरबॉर्न और सॉइलबॉर्न दोनों डिजीज के अंदर देखा गया है। बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट का जो सिम्टम रहता है उसके अंदर इरेगुलर क्या बोलते हैं गोल गोल फॉर्म बन जाते हैं क्या होता है पिटियोल से जो बीच का भाग रहता है वहां से, और धीरे धीरे करके पत्ता ढीला हो जाता है और छोटा पौधा मर जाता है। इसके सिम्टम्स दिखा देता हूँ, ये इसमें इस तरह के पीछे के साइड पर स्पॉट्स हो जाते हैं और ये इसका जो पूरा का पूरा जो पिटियोल रहता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और उसका जो बॉल रहता है वो भी अंदर से सड़ जाता है। नहीं सर, आप केमिकल फंगीसाइड के साथ में फंगफ्री यूज नहीं कर सकते हैं, केमिकल फंगीसाइड करेंगे तो फंगफ्री के जो फंगस है वो मर जाएंगे, आप दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये बैक्टीरियल ब्लाइट देखने को मिलता है तो आप क्या बोलते हैं एक तो डीलिंट कॉटन को मतलब उसका जो रेशा रहता है उसको दूर करके सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके दूर कर देना चाहिए। डीलिंटेड जो रहता है सीड को उसको ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन के साथ ट्रीट करने के बाद में फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ में ट्रीट करने के बाद में ही लगाना चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो इन सबको ध्यान में रख के आपको ट्रीटमेंट करके ही सीड को लगाना चाहिए। टोबैको स्ट्रीक वायरस, टोबैको स्ट्रीक वायरस के अंदर जो जो लेसियन मतलब जो डॉट्स बनने शुरू होते हैं वो लोकल बनते हैं, शुरू में पर्पल कलर के इरेगुलर स्पॉट बनते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। अर्ली रिकवरी स्टेज में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, बाकी अगर इसका नियंत्रण शुरू में नहीं किया गया या इसको रिमूव नहीं किया गया तो फिर पौधा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसी तरह से लीफ कर्ल वायरस का भी रहता है, लीफ कर्ल वायरस या टोबैको स्ट्रीक वायरस में हमें वाइट फ्लाई का कंट्रोल एकदम अच्छी तरह करना चाहिए। साथ में शुरू जैसे शुरुआत हो उस समय हम एसीबेट का केमिकल कर सकते हैं या उत्कर्ष का वायरोज और वायरिम्यून कर सकते हैं। वायरोज वायरिम्यून कोई पेस्टिसाइड नहीं है लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का काम काज करता है। तो जैसे ही वायरस का हमें सिम्टम दिखाई दे तो बाकी पौधों पे सब पौधों पे स्प्रे कर देना चाहिए ताकि वायरस आगे ना बढ़े। साथ में वाइट फ्लाई का नियंत्रण करना बायो क्लीन स्वीप का यूज कर सकते हैं या फिर आप केमिकल का यूज कर सकते हैं एसीबेट का, ये वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा। अभी अपने देखेंगे कि कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और डेफिशिएंसी में क्या क्या रहता है। नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी रहती है तो जो पौधा रहता है उसकी बॉल की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है, यील्ड भी कम आती है। उसका दूर करने के लिए यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, मेजर इनका रिकमेंडेशन है। स्प्रे के स्वरूप में कर रहे हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का भी आप यूज कर सकते हैं।
फॉस्फोरस के अंदर जो पत्ते रहते हैं, लोअर लीव्स रहते हैं, उसमें पर्पल कलर का रेडनिंग कलर का शुरू होना शुरू हो जाता है, पूरा ग्रोथ उसका स्टंट रहता है, बॉल छोटा रहता है। इसके लिए जैसे हमने रिकमेंड किया है कि शुरुआत में आप डायमोनियम फॉस्फेट या कई लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट भी करते हैं, स्प्रे के स्वरूप में कर रहे हैं तो 1261 या 0524 का यूज कर सकते हैं MKP का, और या आप उत्कर्ष का हॉर्स पावर भी कर सकते हैं जिसके अंदर मोनो डाई ट्राई तीनों स्वरूप के अंदर फॉस्फोरस आता है। पोटेशियम की कमी के अंदर जो पत्ते रहते हैं उनका लोअर लीव जो रहते हैं वो उसके जो धार रहती है वो पीली होनी पहले शुरू हो जाती है और ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है तो वो सूखना शुरू हो जाता है। उसकी कमी को दूर करने के लिए आप पहले से अगर म्यूरेट और पोटैश और रिकमेंडेशन उसके हिसाब से देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप स्प्रे के स्वरूप में पोटेशियम नाइट्रेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट या SOP का उपयोग भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर ये नॉर्मली कमी बहुत ज्यादा बरसातों के बाद देखने को मिलती है, दिवाली के आसपास में जब कपास आता है बहुत सारे किसान मैग्नीशियम का उपयोग नहीं करते हैं तो पत्ते नए पत्ते जो ऊपर के पत्ते रहते हैं वो लाल होने शुरू हो जाते हैं, तो इसका उपयोग जैसे ही बरसात खत्म होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट का या मैग्नीशियम नाइट्रेट का जमीन में उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे करना है तो आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर नाइट्रोजन की कमी और कई बार सल्फर की कमी के बारे में कंफ्यूज के दोनों के अंदर पत्ते का पीलापन दिखा देता है, लेकिन सल्फर की जो कमी रहती है वो नॉर्मली नए पत्तों में ज्यादा दिखाई देती है, पूरा पत्ता पीला जैसा दिखना शुरू हो जाता है, बीच के लिए उसमें नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलता है। वो उसको दूर करने के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर है या लिक्विड सल्फर है या आप अगर नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का तो अमोनियम सल्फेट कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं तो सल्फर की कमी आराम से दूर हो जाती है। कैल्शियम की कमी के अंदर नॉर्मली वो क्रॉप के जल्दी के अर्ली स्टेज के अंदर देखी जाती है, पत्तों का जो पीटियोल रहता है वहां पर वो बेंडिंग होनी शुरू हो जाती है, पत्ते का जो शेप है वो विचित्र होना शुरू हो जाता है, जैसे लगता है किसी ने पत्ते को दबा दिया हो, तो उसको आप दूर करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं या कैल्शियम EDTA का कर सकते हैं जो हमारा कैलोंग के नाम से आता है। कैल्शियम बोरॉन का उपयोग करते हैं तो साइज भी बहुत बड़ा बनता है, या एपेनेंसर का हमने रिकमेंडेशन ऑलरेडी किया है, ये एपेनेंसर EDTA आधारित प्रोडक्ट है, कैल्शियम बोरॉन जो है वो एमिनो एसिड चिलेटेड है और कैलोंग जो है वो कैल्शियम EDTA है। जिंक की कमी के अंदर इस तरह से जो नसें रहती हैं वो ग्रीन रहती हैं, बाकी का भाग पीला होना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मली नए पत्तों में देखा जाता है। इसका दूर करने के लिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं या स्प्रे के स्वरूप में जिंक EDTA जो हमारा जिंक गैप के नाम से आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। आयरन की कमी के अंदर नया पत्ता जो रहता है उसके अंदर पूरा का पूरा पत्ता पीला जैसा होना शुरू हो जाता है, कुछ कुछ भाग उसमें हरा दिखाई देता है बाकी पूरा का पूरा रहता है। इसका दूर करने के लिए आप फेरस EDTA का स्प्रे कर सकते हैं अगर आपका pH 7.5 से ज्यादा है, अगर आपका pH सॉइल का 6.5 से कम है तो FEDTA भी का कर सकते हैं, या अगर आप जमीन में दे रहे हैं तो पैरा सल्फेट दे सकते हैं या FEADA दे सकते हैं, ड्रेंचिंग कर रहे हैं या ड्रिप में दे रहे हैं तो FEADA दे सकते हैं, FEADA हमारा EPIDRIP के नाम से आता है। बोरॉन की कमी के अंदर नॉर्मली सिम्टम जैसे पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बॉल जो है बिना किसी क्या बोलते हैं जीवात के या इंसेक्ट के फटना शुरू हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो बोरॉन की कमी होती है। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप जमीन में देते हैं तो बोरेक्स दे सकते हैं या स्प्रे कर रहे हैं तो डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट जो हमारा बी शेप के नाम से आता है आप कैल्सी बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं जिसमें 5.5% बोरॉन आता है, या एपेनेंसर का भी स्प्रे कर सकते हैं जो इसमें EDTA स्वरूप के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरॉन तीनों आते हैं। कॉपर की डेफिशिएंसी के अंदर जो नसों के बीच का भाग रहता है उसके वो उसमें पीलापन दिखना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मली धार से पीलापन पत्ता सूख जाता है धीरे धीरे करके, इसको प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं, स्प्रे में कॉपर EDTA दे सकते हैं जो हमारे कॉप कॉल के नाम से आता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के अंदर ये नॉर्मली कोस्टल प्लेन सॉइल में देखा जाता है, बाकी प्लेन एरियाज के अंदर नहीं देखा जाता है। सिम्टम्स के अंदर नसें पूरी की पूरी पीली दिखाई देती हैं, उसके आसपास का एरिया ग्रीन कलर का दिखाई देता है, बाकी का भाग पीला हो जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं या स्प्रे में मैग्नीशियम EDTA यूज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग नॉर्मली 7 दिन के अंतर पे होना चाहिए, अगर हो सके तो सुबह के टाइम पे ही करना चाहिए जब जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो,
ताकि पत्ते एकदम सूखे हुए हों और वो कपास के ऊपर चिपक ना रहे। जो कपास का जो पीक तोड़ा जाता है वो जो अच्छी तरह से खुला हुआ कपास हो जो बॉल होता है उसको लिया जाता है। जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो कपास को ही बॉल के अंदर से निकालना होता है, बाकी का जो बाहर का भाग रहता है उसको अंदर वहीं पे रहने देना होता है। एक बार कपास को अपने छोड़ दिया है तो उसका सॉर्टिंग कर देना चाहिए, जो एकदम फूला हुआ कपास है उसको अलग कर देना चाहिए, और जो जिसपे दाग लगा हुआ है या जिसका कलर ढंग से नहीं है, जिसपे कोई कीड़े ने अटैक किया हुआ है तो उसको हमें अलग कर देना चाहिए। हार्वेस्टिंग करने के बाद या पिकिंग करने के बाद में ड्राइव में शेड के अंदर क्या बोलते हैं बॉल को कपास को रख देना चाहिए। अगर आपने अगर उसको तुरंत ड्राई नहीं किया है तो कलर बदलना शुरू हो जाता है कपास का और उसकी मार्केट वैल्यू कम आती है। कपास को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर सुखाना नहीं चाहिए, उससे जो फाइबर की जो स्ट्रेंथ रहती है, रेशे की जो ताकत रहती है वो कम हो जाती है, चमक भी कम हो जाती है, उसके भी मार्केट की वैल्यू उसकी घट जाती है। ग्रेडिंग अच्छी तरह से करना चाहिए, अच्छे अच्छा कपास को और जो सेकंड क्वालिटी है उसको अलग कर देना चाहिए। अगर सॉर्टिंग एट समय नहीं किया है तो हार्वेस्टिंग करने के बाद में जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर कर देना चाहिए। जहाँ पर हम हार्वेस्ट करके रख रहे हैं तो अगर नीचे हम कुछ नहीं बिछा रहे हैं तो रेती का एक लेयर बना देना चाहिए ग्राउंड के ऊपर और उसके ऊपर एक कपास को रखना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी ना बिगड़े। नॉर्मली यील्ड के बारे में अगर अच्छी तरह से अपने सब जो आपको हम रिकमेंड किया उसके हिसाब से करते हैं तो 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ कपास नॉर्मली जहाँ पर रेगुलरली पानी दिया जाता है उतना आराम से देखा जाता है। जैसे हमने बताया कि हमारी ये अलग अलग किट है तो हमारी किट का ये स्पेशल रेट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजन पे भी अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ पे अमेजन पे किट अवेलेबल नहीं है। कुछ हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी की जो कपास की किट है उसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स की मीडिया बनाती है, हाइड्रोपोनिक्स के फर्टिलाइजर बनाती है, वाटर सॉल्युबल की पूरी रेंज है हमारे पास में। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर जैसे नीम ऑयल है 300 BPM, 1500 BPM, 10000 BPM कपास के अंदर बहुत जाता है ये। फिर शील्ड है, थ्रिपोज है, माइटोज है जो अलग अलग के लिए है, वायरोज वायरिम्यून वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नीम के, कैस्टर के। फिर PGR आधारित है जैसे यूमिक एसिड है, एमिनो एसिड, जाइम है, बीम प्लस है जो जिब्रेलिक एसिड साइटोकाइनिन बेस्ड है जो उसको हमने रिकमेंडेशन की है साइज बढ़ाने के लिए। फिर लिक्विड यूमिक एसिड है, पैंथर है, रूट्स मल्टीप्लायर है जिससे जड़ें बहुत अच्छी बनती है, स्ट्रेस फ्री है जिसका उपयोग ड्रॉपिंग को अटकाने के लिए हमने किया है। फिर बायो फर्टिलाइजर की, इंडिविजुअल बायो फर्टिलाइजर की हमारे पास कंप्लीट रेंज है, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एसिडोबैक्टर, फॉस्फोर, PSB, KSB, जिंक सोलिबलाइजिंग, सल्फर सोलिबलाइजिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा माइक्रोब्स है। उसके अंदर माइक्रोब्स के अंदर इन सब के अलावा पेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास ये सब भी आता है, इसमें बेवेरिया वेटिसिन मेटरिज्म नहीं आता है, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा बायो क्लीन स्वीप है। तो बायोक में बहुत बड़ी रेंज है। फिर वैम के भी हमारे 3 वेरिएंट्स हैं, 100 IP, 5000 IP, 300 IP। इसके अलावा EDTA चिलेटेड फर्टिलाइजर्स भी हैं, बट एक्वेरियम प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स हैं, एमिनो एसिड चिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि NPK 10-10-10, एम्प्रोकॉम्बी कॉम्बिनेशन है माइक्रोन्यूट्रेंट का। उसी तरह EDTA में हमारा कॉम्बिनेशन का नाम है COMBI2 जिसके अंदर जिंक, Fe, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम ये सब आते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है, मैं आपको सबको म्यूट करने का भी चांस देता हूं। आप चैट बॉक्स के अंदर जो सवाल पूछे हैं मैं उनका जवाब भी दूंगा और या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवालों के मैंने जवाब दिए थे, कुछ के नहीं दिए थे, मैं अभी आप वापस से चैट बॉक्स के अंदर जो जो सवाल हैं उनको ले लेता हूँ। थैंक यू विजय कुमार जी, वेरी आपने करेक्शन किया था कि बहुत लंबा जो स्टेपल रहता है वो 27.5 से 32.5 mm का रहता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल 32.5 को कहा जाता है। थैंक यू आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। नागपुर के अंदर जैसे राजेश जी ने बताया फ्रूट बोरर का है, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया है। हाँ, अर्ली वैरायटी हमेशा लगानी चाहिए, अगर आपको फ्रूट बोरर या दूसरे प्रॉब्लम है साथ में लगाना चाहिए।
सीड के बारे में मैंने कुछ ज्यादा कंसिडर नहीं किया, लेकिन सीड आपको आपके लोकल एरिया के अंदर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगाना चाहिए, बीटी लगाना चाहिए, अच्छी कंपनी का लगाना चाहिए। कई बार क्या बोलते हैं, अनब्रांडेड मिलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जब नहीं मिल रहा हो, मतलब सीड मेन चीज रहती है, सीड में आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अच्छी क्वालिटी का नहीं लेंगे तो कभी भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं आएगा। दिनेश कुमार जी, हमारा हमारा जो कंप्लीट किट है वो पूरा फ्लड इरिगेशन को ध्यान में रख के ही बनाया है, ताकि स्प्रे या ड्रेंचिंग आप आराम से कर सकते हैं। राजेश जी, मैंने लीफ कर्ल कंट्रोल के बारे में बताया कि हमारे पास उसके लिए वायरोज और वायर इम्यून है, लेकिन वो शुरुआत के स्टेज में ही आप यूज करेंगे तो ही वो उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे पत्ते अगर लीफ कल के अंदर चले जाते हैं तो हमारा वायरस वायरोज वायर इम्यून काम बहुत ज्यादा नहीं करता है। जयराज जी, जैसे आपने बताया कि थ्रिप्स का डैमेज हो तो पत्ते ऊपर की तरफ कल करते हैं, माइट्स नीचे की तरफ करते हैं। थैंक यू सर। बायो भी हमारा 100% जैविक प्रोडक्ट है, उसका आप उपयोग किसी भी फंगिसाइड के साथ नहीं कर सकते हैं। जब थ्रिप्स का या इसका प्रॉब्लम है तो आप अगर अगर प्रिवेंटिव कर रहे हैं तो आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार कर सकते हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केमिकल फंगिसाइड के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। राजेश जी से आपने पूछा है कि केमिकल के साथ में फंगफ्री या बायोक्लिनसी दोनों का बिल्कुल नहीं चलेंगे। एवरेज प्रोडक्शन का मैंने बता दिया आपको, 20 से 25 क्विंटल पर एकड़ इसके हिसाब से आता है। रोज कल्टीवेशन के ऊपर भी मैं वेबिनार लूंगा, तो उसके बारे में आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं विपुल जी। वैरायटी के बारे में बीटी वैरायटी का नाम रहता है, मतलब जो हमने बताया तो बैसिलस थुरिएंजिएंसिस बोलते हैं, मतलब उसके अंदर बॉल वर्म का प्रॉब्लम कम देखा जाता है। अभी तो पुरानी वैरायटीज में तो वो भी रेजिस्टेंट हो गया, मतलब इवन पिंक बॉल वर्म बीटी के ऊपर अभी देखना नॉर्मली शुरू हो गया है। विपुल जी, मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9824133044, मेरा ईमेल आईडी rd@utkarshagrotech.com। ये पूरी की पूरी जो पीपीटी तो नहीं, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग इसकी कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपको वेबिनार का लिंक इसमें मिल जाएगा। चैट बॉक्स में अगर कुछ सवाल नहीं है तो आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। यस विजय, डॉक्टर विजय कुमार प्लीज पूछिए। समीर, यू टोल्ड एवरेज यील्ड इज 20-25 क्विंटल। सर जरा जोर से बोलिए, आवाज धीरे आ रही है। तो प्लीज, आपने बोला, आपने लिखा कि एवरेज यील्ड 20-25 क्विंटल पर एकर। हाँ जी, राइट। अभी आपको अंदाज होगा कि इंडिया के एवरेज जो प्रोडक्शन है लिंट का, दैट इज below 500। ठीक है। हाँ जी, below 500 का मतलब हो गया कि इंडिया का एवरेज यील्ड हो गया तकरीबन 12 क्विंटल पर हेक्टर का। ओके सर, ये एवरेज अपने, ये क्या, ये थी एवरेज आप जो बात कर रहे हैं वो सब वैरायटीज के एवरेज बता रहे हैं। जिसके अंदर देसी भी आ गया और देसी का तो एरिया टाइप का भी आ गया, उसका एवरेज बोल रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ कि हाई यील्डिंग वैरायटीज अगर आप लगाते हैं तो उसकी एवरेज बात की है। मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, इंडिया में आज की तारीख में 97% एरिया हाई यील्डिंग बीटी वैरायटी के अंडर है, सिर्फ 3% इज ऑनली अंडर देसी, दैट टू इन पार्ट ऑफ गुजरात, लिटिल इन महाराष्ट्र एंड लिटिल इन कर्नाटका। ओके, ठीक है, बाकी तो सब बोई है। तो ये मतलब इट इज बेटर यू गिव द रियलिस्टिक फिगर। सर ये क्या रहता है कि ये जो हमने जो अनुभव किया है, हमने जो प्रैक्टिसेस फॉलो करवा के किया है, काफी किसानों को आया है, उसके हिसाब से मैंने ये बात बताई है। नहीं, पर उसमें आप एवरेज कम से कम मत बोलिए। मेरा क्या कहना है आपसे, देखिए एवरेज तो गुजरात में, मैं तो जब बीटी नहीं था, मैं आज से 20 साल पहले भी लोग 70 क्विंटल कपास हार्वेस्ट करते थे, ठीक है, और आज भी करते हैं बीटी के साथ में। लेकिन अगर आप बात करें कि जो सरेराश उत्पादन गुजरात की बात करूं, तो इरिगेशन की जो इरिगेटेड कॉटन की 650 किलोग्राम है उसकी लिंट की, तो मतलब मैंने जो प्रैक्टिसेस बताई हैं इरिगेशन के बारे में बताया है सर, मैंने अपने जो हमारा अनुभव रहा है एवरेज आई है उसके बारे में, ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के मैंने बताया है। प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बट मेरा क्या है कि यू नो
if you are more too close to the reality, it got is it, more sir. convincing. Got it. Got it. Convincing. Completely got it. Thank you, sir. Yes, Jairaj ji, आपने भी अनम्यूट किया हुआ है, आपको कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। मैं क्या कह रहा था, आपने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है ना कॉटन का, बेस्ड ऑन क्रॉप ड्यूरेशन, लाइक वाइज शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी लाइक 140 डेज कम्प्लीट डे लाइफ साइकिल, मीडियम ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ वेराइटी, ठीक है, तो इसमें होता तो बहुत बढ़िया रहता है सर। क्या रहता है कि जो नॉर्मली जैसे सर ने बताया विजय कुमार जी ने कि अभी मेजॉरिटी बीटी कॉटन का ही चलन है, हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि भाई आप देसी लगाओ। देसी वो लोग लगाते हैं जिनको पानी का प्रॉब्लम रहता है या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हाइब्रिड वैरायटी में भी बीटी कॉटन में हाइब्रिड वैरायटी में अर्ली वैरायटी आती है, अजीत 5 अजीत साइज ऑफ 5 नंबर की वैरायटी है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो ये एक जर्नल है, फिर क्या रहता है कि हम लोग किसान का जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल हम नहीं बना सकते हैं तो समझने में कई बार तकलीफ पड़ जाती है, और कुछ नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि किसी को रबी सीजन का क्रॉप लेना है तो वो अर्ली वेराइटी ग्रो करेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, दो टू सीजन ले पाएगा ना, उसके हिसाब से अर्ली वेराइटी सजेस्ट कर सकते हैं हम। सही बात है। और ये जो आपका बायो प्रोडक्ट है सभी फंजी फ्री, वो कैसे वर्क करता है? पंखुरी ये देखो क्या है, ये जैविक प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो उसके अंदर जो मैंने बताया ट्राइकोडर्मा वीर्डी और वो सब स्पीशीज का हमने उपयोग किया हुआ है। वो सब ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं ना? हाँ वो सब छह से सात तरह के फंगस आते हैं अलग अलग तरह के, वो नॉर्मली उस जो भी फंगस रहते हैं या कोई अपना उसकी बॉडी के ऊपर क्या बोलते हैं लग कर जो प्रोटीन आधारित रहता है ये, तो वो उसको एक तरह का उसके लिए फूड बन जाता है वो। और क्या है कि वो सोइल की प्रॉपर्टी भी बढ़ाएगा ना, सोइल फर्टिलिटी इंप्रूव करेगा। हाँ जी वो उसका मेन बेनिफिट सारा है ना, वो इंप्रूव करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा कॉटन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारा माइक्रोब्स है, ये क्या है, ये पेस्ट कंट्रोल करने के लिए है, ये फंगफ्री जो है वो डिजीज कंट्रोल करने के लिए है, बायो क्लीन स्वीप जो है वो इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए है। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें ये सब सर मेंशन किया होता तो बहुत बढ़िया रहता कि बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं तो सोइल भी डिग्रेड नहीं होगी, डिग्रेडेशन नहीं होगी ना सर, इसलिए भाने सोयल... वो मतलब आपकी बात बराबर है, वो अंडरस्टूड रहता है, इसलिए हम दोनों बताते हैं कि भाई कई लोग बोलते हैं हम लोग मैं वही कह रहा हूँ। हाँ एकदम बराबर है, मैं अगली बार में ये बात को कंसीडर पक्का करूंगा। मैं वही कह रहा था सर कि हम बायोलॉजिकली यूज करेंगे, केमिकल का यूज नहीं करेंगे तो सोइल के ऊपर क्या इम्पेक्ट रहेगा और प्लांट के ऊपर, और प्लांट के जो क्वालिटी है बाय प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या रहेगा, वो क्वालिटी भी वो सब मैं बोल रहा था। गॉट इट आपकी बात, मैं मतलब मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि लोगों को ये पता रहता है इसलिए हम उसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि हम केमिकल का यूज अब कम करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रेसिड्यूअल इफेक्ट है, जो रेसिड्यूअल इफेक्ट होती है। अभी क्या है कि अगर एक्सपोर्ट करना है तो भी उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत रहती है, और ये हमारे जो है प्रूवन प्रोडक्ट्स है, जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है या पहली बार कर रहे हैं, बहुत सारे क्रॉप के बहुत बड़े स्केल पर इनका यूज हो रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कॉटन। समीर मे आई? यस यस डॉक्टर विजय कुमार। Are the products are certified somewhere from laboratory or government of India? हमारे कुछ प्रोडक्ट लाइसेंस वाले हैं, जैसे जो ट्राइकोडर्मा ट्राइकोज है, सूडोज है, जिसका लाइसेंस रहता है, जो हमारे अच्छा। बाकी जो दो प्रोडक्ट हैं ये सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा नहीं, पर तो, मतलब कहीं से, क्योंकि इस नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी को रिकमेंड करो, ठीक है, इन दैट केस में भाई कहाँ टेस्ट हुआ है, क्या रिपोर्ट है वगैरह, यू नो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम। हमने कमर्शियल ही उसको टेस्ट किया है, जो मैंने आपको बोला जैसे कि हमारी ये दो प्रोडक्ट्स हैं ट्राइकोज पी और सूडोज पी, ये दोनों हमारे लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है लाइसेंस वाले के साथ। अच्छा, और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर ही हमने कंट्रोल किया है।
बेस्ट सीट ट्रीटमेंट, राजेश जी आपको क्या प्रॉब्लम आता है ना, मैंने मैंने बहुत सारी स्लाइड में अलग अलग सीट ट्रीटमेंट बताई है, क्या रहता है आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसके हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करिए। बेस्ट सीट ट्रीटमेंट के अंदर आप माइक्रोब्स का उपयोग कर लीजिए, सीट ट्रीटमेंट के अंदर माइक्रोब्स के अंदर बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर दोनों आ जाते हैं, जैसे कि एजोस्पिरिलम भी आ जाता है, फॉस्फोरस भी आ जाता है, ट्राइकोडर्मा भी आ जाता है, सुडोमोनस भी आ जाता है। तो सिर्फ आप सिर्फ माइक्रोब्स का अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज द बेस्ट सीड ट्रीटमेंट। अभी जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो मॉडिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में, सो बायो स्टिमुलेंट कैटेगरी जो ऐड की है उसमें आपके सारे प्रोडक्ट फॉल इन दैट कैटेगरी। हाँ, अभी तो हर प्रोडक्ट के अंदर वो लेना पड़ेगा लाइसेंस, वो आपको यू विल हैव टू हैव इट। या 3 साल का समय दिया उन्होंने, 3 साल का समय गवर्नमेंट ने दिया हमको, वो हमारी उसकी तैयारी चल रही है, एंड वी विल मतलब हम उन सब भी अपने प्रोडक्ट्स को उस कैटेगरी में ले लेंगे उसमें। बढ़िया 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 समीर, गुड। और ऑलरेडी हमारे, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बताया, हमारे पास मोर देन 50 प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी, हमारे 100+ प्रोडक्ट है, मोर देन अराउंड 50 प्रोडक्ट्स का हमारे पास कंप्लीट सर्टिफाइड लाइसेंस है। अच्छा, ओके। सारे का सारा बायो फर्टिलाइजर का है, और इवन जो माइक्रोब्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो सर्टिफाइड प्रोडक्ट। हाँ, और कोई सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो चैट अपना अवेलेबल है। मैं जस्ट एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, नेक्स्ट मेरे जो अगले संडे को मेरा पैडी के ऊपर वेबिनार है, और लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ उसमें मेरा है वेबिनार ग्राउंडनट के ऊपर। तो आप अगर इन दोनों में से कोई भी क्रॉप करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ये जो वेबिनार है ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे, इसकी लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हम रख देंगे, तो आप वहां पे लाइक कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रोकैम सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल बटन दबाकर, ताकि हम जो भी रेगुलर वेबिनार करते हैं, आपका कुछ मिस हो जाए तो आपको आप उसको बार बार देख सकते हैं, आपकी क्वेरी दूर कर सकते हैं। प्लस ये व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने रखा हुआ है वो स्पेशली कॉटन फार्मर्स के लिए ही है, उनका कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे उसमें उसको पूछ सकते हैं। वी आर अवेलेबल, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप फोटोग्राफ के साथ में अपनी क्वेरी डालिए, मैंने तो आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं स्लाइड्स बताए हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा कि फार्मर के लिए आइडेंटिफाई करना हर बार सेम नहीं होता है, तो आप अपना शेयर करिए ग्रुप के अंदर मुझे, और मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा जो मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से, ताकि आप अच्छे से अच्छी प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सकें। हमारा मेजर मोटो एक ही है कि किसान खेती करके प्रॉफिट कमाए। एंड अभी कोई अगर क्वेरी नहीं है, थैंक यू विपुल जी, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। कोई भी क्वेरी नहीं है तो हम अपना वेबिनार को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग गुड पार्टिसिपेंट।